प्रतिदिन हजारों एकड़ किसान बर्बाद फसल रौंदा जा रहा है, धान का फसल, जबकि सुखाड़ की परिस्थिति में हम लोग किसी तरह से धान पैदा करते हैं। जहाँ के बड़े बड़े घने जंगल, वहाँ पर आपको बड़ा बड़ा ये पत्थर काटने वाला मशीन लगा दिया जिसमें बड़ा बड़ा आवाज़ हो रहा है, उसके चलते हाथी सीधा गांव के अंदर आ रहा है। वहाँ पर किसानों लोग बहुत परेशानी हो रहा है। परेशानी क्या है, वहाँ पर जंगल सुअर का जानते हैं ना, वो आके किसान में भाजपा सरकार की पॉलिसी होगी पशुओं के नाम पे वोट मांगना और देश में एक माहौल गड़बड़ाना, ये इंसानों को भी मृत्यु का। गौशाला जो बन रही है सिर्फ सरकार अपने लोगों को उनका ठेका देती है और ठेके के नाम पे जो गऊओं के लिए राशन आता है उसकी वो दलाली करते हैं, गायों का पेट काट गौशाला के नाम पे दलाली। जी दलाली चल रही है खुलेआम। चलो मैं दिखाता हूँ नोएडा में, यहाँ ये हो रही है झुंड के झुंड गाय बीच रोड पे आ जाती हैं, अचानक से आ जाती हैं, टू व्हीलर वाला तो एक्सीडेंट में खत्म ही हो जाता है। देश में गौशालाएं बनाई जा रही हैं बीजेपी की जब से सरकार है, धंधा बना लिया, धर्म की आड़ में धंधा है, किसानों के हित में काम कर, किसानों के हित में है ये काम। ये सांड आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं, इससे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कई बच्चे हमारे ग्रेटर में, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर से हूँ, कितने लोग वहाँ पे मर चुके हैं। ये माता हमारी योगी के लिए ज़्यादा माता है, हमारी कम है। योगी ज़्यादा मानते हैं कि हमारी योगी और मोदी की माता में ज़्यादा फर्क दिखाई देता है हमें। योगी और मोदी इंसान नहीं है? नहीं, वो इंसान है, वो अलग तरह के इंसान है कि वो आम आदमी की भावना ही नहीं समझते। अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये दिल्ली का जंतर मंतर है और यहाँ पे देश भर से जो किसान है वहाँ पे जुटे हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं यहाँ की तस्वीरें और साफ साफ देख सकते हैं वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जंगली जानवर वो आवारा पशुओं की मुसीबतों से किसानों को सुरक्षा दिया जाए, उसको लेकर यहाँ पे आए हैं। और नीचे वहाँ लिखा हुआ है हाथियों और गली रक्षा प्रदान किया जाए, उसके नाम पर जो सिंपैथिया लूटी जा रही है। एक भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? रांची झारखंड। झारखंड से आए हैं, क्या आप लोगों की मांग है कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं? पूरे देश में हाथियों का आतंक सबसे ज्यादा झारखंड में है। आज का दिन अगर दिया देखा जाए तो आपको 500 से पार हाथियों के से किसान मारे जा चुके हैं। प्रतिदिन हजारों एकड़ किसान बर्बाद फसल रौंदा जा रहा है, धान का फसल, जबकि सुखाड़ की परिस्थिति में हम लोग किसी तरह से धान पैदा करते हैं, सब्जी को बर्बाद किया जा रहा है। माहौल इतना खराब हो गया है, सुबह लोग ट्यूशन जाता था बच्चा, वह भय से भेजना बंद कर दिया। शाम होते ही सूर्यास्त के पहले ही हाथी गांव के अंदर धमक जाता है। चूंकि घने जंगल जो थे, जहाँ के बड़े बड़े घने जंगल, वहाँ पर आपको बड़ा बड़ा ये पत्थर काटने वाला मशीन लगा दिया जिसमें बड़ा बड़ा आवाज़ हो रहा है, उसके चलते हाथी सीधा गांव के अंदर आ रहा है और बड़ी संख्या में 50 की संख्या में पत्थरों के कटाई होने के कारण जो हाथियां हैं वो परेशान हो रही हैं और जो वो मानव के क्षेत्र में प्रवेश करके परेशान कर रही है। जो उसका अड्डा रहा करता था, जहां वो खाता था, पीता था, रहता था, वहां से उसको भागने के लिए मजबूर हो गया है। इस सवाल को लेकर के हम राज्य सरकार को दिए, केंद्र सरकार को भी ये सवाल दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज के दिन में परिस्थिति यह हुआ कि गांव के अंदर हम लोग तीर धनुष भाला और मसाल लेकर के रात रात जग रहे हैं ताकि अपना फसल को बचाया जा सके, लेकिन बचाएंगे कि इतना झुंड आ जाता है, रौंद के चला जाता है। और किन किन पशुओं से आप लोगों के फसल को नुकसान हो रहा है? हाथी मुख्य रूप से, हाथी वहां पर, हाथियों के आतंक, हाथी और भी जंगली है जानवरों की आप लोगों ने पोस्टर में चर्चा की है, लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से आपको वो हाथी ही है, ज्यादा हाथी से ही ज्यादा झारखंड में है। दूसरे प्रांतों में है आपको बंदर है, भालू है, लेकिन हाथी का ही आतंक है ज्यादा झारखंड के अंदर। लेकिन झारखंड में आप बता रहे हैं कि झारखंड के जंगलों और पहाड़ों को जिस तरह से जो सरकार है कब्जा जमा रही है, उस पर बड़े बड़े जेसीबी और बुलडोजर जो काम कर रहे हैं, जिससे हाथी परेशान होकर मानव अधिवास में घुस रहे हैं, तो आप लोग वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ आप लोगों ने काम किया? हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, राज्यपाल के वहाँ पर धरना दिए हैं, अब नीचे जिला हेडक्वार्टर में आपको फॉरेस्ट के अधिकारियों को हम लोग घेरे हैं। लेकिन ऐसा दुखद दिन आ रहा है कि कोई दिन नहीं, सप्ताह बीता वहाँ पता चला वहाँ किसान को मार दिया, एक सप्ताह बीता पता चला वहाँ मार दिया, आज पता चला कि आज कई गांव को मैंने फसल रौंद दिया, घर को उजाड़ दिया,
पेड़ के अंदर ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ में लोग बना करके रह रहा है रात को। इस माहौल में हम लोग जिंदा है, वहाँ पर सबसे बड़ा आतंक है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि वहाँ पर जो अस्थाई समाधान हाथी जल निकालने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाए, ताकि ये जो बेमौत मारे जा रहे हैं हाथियों की इस प्रहार से कैसे बचा जा सकता है, कैसे? अरे संख्या ज्यादा से ज्यादा झारखंड में 1000 होगा, अब चिड़ियाघरों में ले जाओ, जंगल में उस तरह का आश्रय बनाओ, रहने और खाने का व्यवस्था करो, निश्चित जगह पर उसको उसकी गारंटी करो। कम से कम इस तरह से तो अन्नदाता किसान नहीं मारे जाएंगे, रोज बरोज उसकी फसल तो नहीं उजाड़ा जाएगा। सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। चलिए, तो ये झारखंड से आए हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगलों को और पहाड़ों को सरकार कब्जा कर रही है, जिससे जो हाथी का जगह मूल रूप से माना जाता है जंगल, उसको खत्म करने के हाथी जो है वो मानव अधिवास मानव जहाँ पर निवास करता है वहाँ पर जा रही हैं, और जो वो मानव के द्वारा जो बनाया खेती की गई है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा और आवारा पशुओं को लेकर क्या क्या परेशानियाँ हैं। भाई साहब झारखंड से है तो झारखंड की तकलीफें बता। तो ये भाई साहब है कहाँ से आप आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए हैं, क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों ने वहाँ पर पोस्टर लगाया है, साफ साफ उस पर लिखा हुआ है कि आवारा पशुओं से जो किसानों को हानि हो रही है, क्या क्या हानियाँ हो रही हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है? वहाँ पर किसानों लगे बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी क्या है, वहाँ पर जंगल सुअर का जानते हैं ना, वो आके किसान में किसान लोग जो अभी खेती में आए पूरा नुकसान कर देते हैं, और जो आती है डाइगर है उनको जहाँ जंगल है जंगल ख़त्म कर दिया, जहाँ रो हाईवे बनाया वो बनाया इसी के लिए उसको बना दे, अभी आके वो आके गाँव में आके पूरा परेशानी कर रहे हैं, उसको भी बचाना है। मोदी जी चीता लाते हैं अफ्रीका से ताकि जंगली जो जानवर छोटे छोटे हैं जो किसानों की फसल को ख़त्म करते हैं उनको ख़त्म किया जाए, मोदी जी काम करते हैं किसानों के हित में? किसान के क्या काम कर रही है, इतना तो अगर कोई आगे मार देगा उसके ऊपर में केस डाल देते, अगर किसान लोग इतना नुकसान झेल रहे कोई आगे सुन रहे मोदी से क्या कर रहे हैं? मोदी तो कुछ नहीं कर रहे, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए, तमाम लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से आवारा पशुओं को लेकर जो आतंक फैला हुआ है देश से, आप देख सकते हैं यहाँ पे देश भर से किसान आए हुए हैं, वो चाहे असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तेलंगाना, कर्नाटक, तमाम जो प्रदेश है, खास करके पंजाब के राज्य से ज़्यादा यहाँ पे किसान आए हुए हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उनसे जिस तरह से किसानों को हानियाँ पहुँचने, जो किसान फसल उगाते हैं और एकाएक एक रात में आकर जो आवारा पशु हैं जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांगे हैं आवारा पशुओं से निजात। एक तो ये हमारे खेतों को नहीं होने दे रहे, भाजपा सरकार की पॉलिसी होगी पशुओं के नाम पे वोट मांगना और देश में एक माहौल गड़बड़ाना, ये इंसानों को भी मृत्यु करते हैं। जब हमारे किसान साथी खेत में जाते हैं तो जैसे कोई पशु मरखना भी होता है जिसको हम कहते हैं देहाजी बात, वो इंसानों के पीछे भागता है और वो इंसानों को भी मारता है। और तो एक हमारे यहाँ पर एक पशु है नील गाय, वो अदबद के रात को लाइट के आगे भागता है और वो मोटरसाइकिल के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर हादसे होते हैं, बहुत लोग इंसान किसान और आदि इंसान भी मारे जा रहे आवारा पशु होते हैं। आवारा पशुओं में आप कुछ पशुओं के नाम बताइए। जैसे आवारा पशुओं में एक नील गाय होगी, या आजकल आप भी देखते हो किसी सिटी में भी या गांव में भी आवारा गाय हैं, सांड बिजार हैं, रोडों पर बैठे रहते हैं, कहीं भी चले जाओ ये सब आवारा पशुओं में काउंटिंग आती है। अगर मोदी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हित से है तो उनके लिए एक व्यवस्था बनाए। लेकिन आप बीते दिन देखे होंगे मोदी सरकार किसानों के हित के लिए बाघ लेकर आए अफ्रीका से और भारत के जंगलों में छोड़े ताकि आवारा पशुओं को खत्म किया जा सके और किसान का जो फसल है वो सुरक्षित रहे। नहीं, ये गलत। आवारा पशु कई तरह का होते हैं, वो पशु जंगली होते हैं, वो जंगल में शोभा देते हैं, ये जो हमारे किसानों के बीच में रहते हैं इनके लिए सरकार एक फंड बाउंस करे, एक उनकी बाउंड्री वॉल बनाए, इनके लिए व्यवस्था बनाए, इनके लिए कानून बनाए। लेकिन आप जिस गाय की बात कर रहे हैं, जिस सांड की बात कर रहे हैं, वो तो किसानों के ही हैं। हाँ, तो हम कद कह रहे हैं किसानों के हैं, हम नहीं है। लेकिन जो आवारा हैं, जो आवारा हैं, किसान तो अपने पास बंद कर रखते हैं, जो आवारा हैं, जो खेतों में डोलते हैं, तो आवारा आते कहाँ से हैं? जब किसान छोड़ता है तभी तो आवारा होते हैं। नहीं, किसान तो हम तो नहीं छोड़ते अपने पशुओं को।
ये तो सरकार बताएगी आवारा कहाँ से आ रही, हम तो नहीं छोड़ रहे। सरकार कहाँ बताएगी, धरातल ग्राउंड लेवल पर नुकसान आपका हो रहा है। क्या दिल्ली में यहाँ पर आवारा किसान है क्या? यहाँ पर जो आवारा पशु रोडों पे जो मिलते हैं आपको, गाय बिजार या ये कुत्ते भी उसी में आते, क्या ये किसान छोड़ते हैं क्या? गाय राष्ट्रीय पशु बनने जा रही है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बननी चाहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी वो तो करो, केयर तो करो, उनके लिए फंड करो, कोई नियम बनाओ, कोई कायदा कानून बनाओ। गाय माता कही जा रही है, आप उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उन्हें पशु कहके। हम भावनाओं को नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उनको देखो, उनके लिए कानून बजट बनाओ। उनके लिए बजट है, गौशालाएं में रहती है। क्या गौशाला बनाती है, कूड़ी कत्थे को गाती है, रो गाँव में घूमती है, पन्नियों को खाती है, उनके पेट में वो ज्यादा जीवन लाइफ नहीं जी पाती, वो 6 महीने में मर जाती है जब रोड पे घूमती है। पन्नियों में हम आप एक पन्नियों में अपने जो घर तले करता है राशन उसको फेंक देते, पूरी पन्नी को खा जाती है। सरकार उनके लिए गौशालाएं बना रही है कि नहीं? गौशाला जो बननी है सिर्फ सरकार अपने लोगों को उनका ठेका देती है, और ठेके के नाम पे जो गऊओं के लिए राशन आता है उसकी वो दलाली करते हैं, गायों का पेट काट। गौशाला के नाम पे दलाली? जी दलाली चल रही है, खुलेआम चलो मैं दिखाता हूँ, नोएडा में बहुत सारी गौशाला है जो बहुत फंड आता है, फंड को ये बांट के खा जाते हैं, गऊ को बदनाम किया जा रहा है, किसान और आम आदमी एक्सीडेंट में मर रहा है, नुकसान हो रहा है। और क्या क्या परेशानियाँ हो रही? परेशानियाँ ये हो रही हैं, झुंड के झुंड गाय बीच रोड पे आ जाती हैं, अचानक से आ जाती हैं, टू व्हीलर वाला तो एक्सीडेंट में खत्म ही हो जाता है। क्या चाहते हैं गाँव की गाय के संदर्भ में? गाय के संदर्भ में ये चाहते हैं, जितने भी आवारा और छुट्टे पशु हैं इनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए, जो ईमानदारी के साथ इन्हें पालन करना चाहिए, जो गौशाला में लोग लगाए हुए हैं उनको जो राशन मिलता है वो सही तरीके से इनको दें और वही इनको छोड़ देते हैं। लगातार इस देश में गौशालाएं बनाई जा रही हैं बीजेपी की जब से सरकार है, धंधा बना लिया, धर्म की आड़ में धंधा है, किसानों के हित में काम कर, किसानों के हित में है ये काम, किसानों के अहित में है ये काम, अहित में नहीं है। क्या कहेंगे आप? अहित, अहित। बीजेपी सरकार जब से आई है देश भर में गौशालाएं बन गई, और ज्यादा आवारा हो गए पशु, और पशु ज्यादा आवारा हो गए, ज्यादा आवारा हो गए पशु, बीजेपी की सरकार आई तो आवारा हो गए और ज्यादा आवारा हो गए हैं। बीजेपी की सरकार आई है तो किसानों को टाइट की है ताकि आवारा पशु, लगातार 5-6 दिन जो बारिश रही है उस बारिश में यह हाल रही है, जो आवारा पशु हैं वो झुंड के झुंड सैकड़ों की तादाद में ग्रेटर नोएडा, नोएडा में भी मैं आपको दिखा दूंगा, आज भी चलो आज भी दिखा दूंगा, उनका कहीं कोई इंतजाम नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग आवारा पशुओं को लेकर यहाँ के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग की सीधा सीधा सरकार से क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इनके गौशाला बनाई जाए, अगर आपने जानवर छोड़े हैं और उनको हत्या करने से रोका है तो कम से कम इनके लिए गौशालाएं का निर्माण हो ताकि इनके जीवन भी इनका भी बच सके, और इंसान जो आम आदमी सड़कों पे घूमता है बीच में गाड़ियां खड़ी होती पार्किंग में, वहाँ भी सांड लड़ते हैं, कितना नुकसान होता है, तो ये गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके खिलाफ। तो हम ये चाहते हैं कि ये देशव्यापी आंदोलन अभी है कि ये तो ट्रेलर था, आने वाले समय में हम अपनी गौतम बुद्ध नगर में भी अपनी मीटिंगें करेंगे और बड़े बड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं उनसे बात करके। आपको लग रहा है कि जो योगी बाबा हैं वो गौशालाएं खुलवाने में भी फेल नज़र आ रहे हैं? अभी कुछ गौशालाएं खुला ली लेकिन सिर्फ पेपरों में, अभी कोई कार्य हुआ नहीं है ढंग से, लेकिन अभी योगी बाबा कह रहे हैं कि हम वो खुलवाएंगे। अभी हमने देखा ग्रेटर नोएडा में मात्र 2-3 गौशालाएं हैं, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि जो किसान है, जो दूध खाता है, जो गाय होती है उनसे तमाम वो संसाधन प्राप्त करता है, उसके बाद से जब वो संसाधन देने में असफल हो जाती हैं तो उस पर किसान जो है उनको सड़कों पर छोड़ देता है, तो किसान की भी तो जिम्मेवारियाँ बनती है कि उसको रखें। नहीं, किसान कहाँ तक रखेगा, इतना चार्ज कहाँ उठाएगा, योगी की क्या जिम्मेदारी है? सीएम बनाया हमने, कम से कम अपनी ज़मीनें तुम्हारे पास पड़ी है उसे एक्वायर करो, मुआवजा दो किसानों से और गौशालाएं बनवाओ, उनका समाधान करवाओ। कुछ लोग इस बात का दंड क्या है, कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि आपकी माँ बाप अगर बूढ़ी हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे, हमारा लॉजिक नहीं है, उनका ये कहना है, उनको क्या कहेंगे आप? ये बरगलाने वाली बातें हैं, इंसान और पशु में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता, गाय भी माता है, हमारी भी माता है, बराबर है। ये माता हमारी योगी के लिए ज्यादा माता है, हमारी कम है, योगी ज्यादा मानते हैं कि हमारी, योगी और मोदी की माता में ज्यादा फर्क दिखाई देता है हमें। योगी और मोदी इंसान नहीं है? नहीं, वो इंसान है, वो अलग तरह के इंसान है, क्यों वो आम आदमी की भावना ही नहीं समझते। कौन से अलग तरह के इंसान है वो? अरे वो
अब क्या आपको बताया, अब सब आपको पता है, लेकिन हमसे पूछना चाहते हैं, किसान आदमी सब परेशान है बहुत ज़्यादा। कहाँ भी किसान परेशान, जब से ये सरकार आई है किसान दर दर ठोकरे खा रहा है। हम खुद पीड़ित हैं, मैं ग्रेटर नोएडा से भी किसान हूँ। अभी हमने एक साल पहले धरना दिया था, 4% का मुद्दा था हमारा, आबादी का मुद्दा था और रेट रिविजन का मुद्दा था। हमने DM को भी घेरा और हमने शैलजा कांत हमारी कमिश्नर है मेरठ में उनको भी घेरा, लेकिन सिर्फ क्या लॉलीपॉप। जब हम ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं कि ये तोड़फोड़ करेंगे कुछ करेंगे, तो तब कहते हैं कि ठीक है आप आएगा, आपके लिए हाई पावर कमेटी हम गठित कर देते हैं और जैसे जैसे एक महीने बाद हम घोषणा कर देंगे आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। ये सबसे BJP की सरकार आई है, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सी हरित क्रांति, सब लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है कहीं, सब लॉलीपॉप है, सब कुछ नहीं है। बताइए बस विरोध बताइए, तो हम क्या विरोध करेंगे, हमारा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई अराजनीतिक, हमारी पार्टी है विचारधारा की संगठन है ये, हमारा कोई पॉलिटिक्स राजनीति से कोई लेने देना नहीं है। हमारा पशुओं का मामला सरकार इसको हल्के में ले रही है, हल्के में नहीं है भाई। आप बताओ 60% जनता जो है हिंदुस्तान की वो एग्रीकल्चर में है, और वो एग्रीकल्चर ही जब उनका सुरक्षित नहीं रहेगा तो उन्हें आना पड़ेगा सड़क पे। इसके लिए आए हम, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप मानते हैं कि ये देश कृषि प्रधान देश है? 100% एक्चुअली ऐसा है। हमारा क्या है कि हम तो जो है एक जगह अटक रहते ना, तो हम तो पहले से ही जो है BJP की जो मोदी जी की जो भी नीतियाँ उनके खिलाफ रहे हैं। हम तो किसानों का पहले देखते हैं, उसके बाद अन्यथा और कोई चीज़ें वो उनमें बांट दो, लेकिन कृषि प्रधान को जो है तो कृषि वालों को ही ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो तो कृषि प्रधान देश है और कृषि को लेकर तो तमाम उनके योजनाएं चलती हैं, जैसे कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। ये योजना सारी फेल योजनाएं हैं, इसमें कुछ नहीं है। पहले 50 किलो का वो जो इकट्ठा होता था 45 किलो कर दिया, उसके रेट भी और बढ़ा दिए। यूरिया चाह रहे कि रासायनिक खादों का कम उपयोग हो, इसलिए वो 40 किलो का इकट्ठा कर दिए हैं। रासायनिक खादों का जो कम से कम प्रयोग हो, आपको ये भी पता है कि 20 क्विंटल एक एकड़ में होती है गेहूँ जब निकलती है। जब ये हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे हमारी 4 क्विंटल भी नहीं निकलेगी, तो कोई खरीदने वाला है हमारी दशा? हम तो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे रासायनिक, बढ़ा दो रेट, कर दो 15,000 रुपये क्विंटल गेहूँ का, हम हट जाएंगे। लेकिन इससे मजदूरों को तो परेशानियाँ होगी ज़्यादा। मजदूरों को जो परेशान है उसके लिए सरकार बैठी है, सब्सिडी मजदूरों को उनके खाते में डाल कर दे, वो अपनी गेहूँ खरीदें। हमारा इससे हमारे रोजी रोटी अगर हमारी, हम किसान और मजदूर दोनों के लिए लड़ रहे हैं। किसान ज़्यादा हैं, मजदूर भी उतने ही हैं, तो हमें कोई मजदूरों से कोई, तो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी किसान डाल दे उनके खाते में वो कि नहीं, नहीं मजदूरों के में डाले जो खरीदे, हमारे में भी डाले। सरकार के ऊपर ही तो है सारा चीज, सरकार करे ना। हमारे पेट पे लात क्यों मार रही है? आज 3500 हम जो छोटे थे 15 साल पहले 3500 में बिक रही थी तुम्हारी जो गया। मोदी सरकार राष्ट्र के लिए काम करती है, आप लोग चाहते हैं कि बस किसानों के लिए काम? नहीं, मोदी सरकार राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर रही है। क्या काम है बताओ? विदेश नीति फेल है। बताइए आज आपके देश कौन सा देश आपके साथ लगा हुआ है बता दीजिए। एक बांग्लादेश से सी थोड़ी बहुत, वहां से ही फेल हो गई। चीन से हमारे संबंध नहीं सही है, पाकिस्तान से नहीं संबंध सही है। बांग्लादेश वालों को ये कहते हैं कि वो जुल्म करते तो उनके साथ मैच क्यों खेल रहे हैं इंडिया क्रिकेट? बताइए आप। मोदी जी से लाल आंख दिखा दे तो चीन थर थर कांपता है, तो क्या संबंध बना? अगर चीन जो है थर थर कांप रहा होता तो वो हमारा जो है जिसमें आमिर खान की मूवी की शूटिंग हो गई उस जमीन को भी चीन ले चुका है। अब अमेरिका ने एक नक्शा भेजा है कि जो पेंगयोंग लेक थी वो भी उसके उसके में चली गई है, और डेली वो आ रहा है, डेली वो कब्जा कर रहा है। कहाँ हमारी वो व्यवस्था? भाई साहब मैं आप बताऊँ, आप आँख दिखाओ और अपनी ज़मीन भी लो, दोनों संबंध भी बढ़िया बना के रखो, जैसे कि अमेरिका कैसे करता, संबंध भी सब देश से बढ़िया और उस चलती भी उसकी दादागिरी है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था निकालो। आप मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध, जब पेट में दाने नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? 5 किलो राशन सबको 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आप कह रहे दाने? एक्चुअली ऐसा है, दाने नहीं चाहिए हमें, चाहिए रोजगार। रोजगार अगर हो बढ़िया से तो दाने तो हम 100 क्विंटल खरीद लेंगे, हमें रोजगार चाहिए। पकौड़ा बेचिए तो पकौड़े से कहाँ पेट भर रहा? बताइए जब से आए कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितना देश में रोजगार है? देश में रोजगार है, भूखे मर रहे हैं सड़कों में। मैं कोर्ट में बैठता हूँ, मैं वकील भी हूँ, 100 रुपये में आते हैं वहाँ बच्चे, ये कहते हैं कि 100 रुपये में एक दिन के लिए रख लो। बताइए एक पढ़े लिखे BA LLB के बच्चे की 100 रुपये औकात नहीं है, और देता कोई नहीं है, तब भी वो ऐसे चले जाते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम पर। देश में बेरोजगारी बड़ी होती तो जो बेरोजगार है वो प्रोटेस्ट करते हैं। आप देखें देश में 140 करोड़ की प्रोटेस्ट का जो तरीका है क्या है कि लोगों तानाशाह जहाँ होता है तानाशाही से भी लोग डरते हैं। अब हमेशा झूठे मुकदमे, ये आज हमारे जिलाध्यक्ष जी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर नहीं, आप लोग तानाशाही का झूठा नाम ले रहे हैं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। देखो अच्छा अच्छा सबका साथ सबका विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और तानाशाही
चरम सीमा पर है। आप अपने अंदर तक झांक करके देखो, आज आपको बोलने दिया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर केस, केस पे केस, केजरीवाल पे केस, शिबू सरेन का लड़का अंदर। अरे कौन अंदर नहीं है भाई, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? जो मोदी जी के साथ जाता वॉशिंग मशीन के धुलकर फिट होकर के बाहर निकलता। आप लोगों ने देखा जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से तमाम राज्यों से जो किसान आए थे, जिस तरह से आवारा पशुओं को लेकर वो परेशान है, अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि फसल और नस्ल बचाना इस सरकार में बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।